Yes, yes, come. आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा है और ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, अर्थशास्त्र से स्नातक हैं आप। ये बताइए, बहुत सरल सी बात हम लोग समझते हैं कि जब मांग बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, लेकिन अभी का जो संकट ये है कि मांग घटा हुआ है तब क्यों प्राइस बढ़ रहा है? नहीं तो मांग घटा हुआ है, वो कोविड का संकट है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो जब डिमांड ही कम है तो फिर प्राइस क्यों बढ़ रहा है? सर, इसका तो एक रीजन ग्लोबल रीजन भी है। वैश्विक स्तर पर सर पेट्रोल डीजल सभी कीमत में वृद्धि हुई है, इसका भी असर है कीमत वृद्धि पर। इसके अलावा सर अभी सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई कम होने से भी कभी कभी सर डिमांड प्राइस में वृद्धि होती है, तो ये भी एक रीजन है। सप्लाई कम है, सप्लाई चेन में खराबी, सप्लाई चेन में वो संतुलित नहीं है, इसके कारण आपको लगता है कि कीमत में वृद्धि हो रही है। सरकार के पास कई सारे उपाय होंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसमें सरकार यही क्यों कर रही है कि पेट्रोल और डीजल यानी पेट्रोल प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो बढ़ाया जा रहा है, और क्या करना चाहिए सरकार? इससे तो और बुरी स्थिति होगी, क्या करना चाहिए सरकार? वर्तमान स्थिति तो सर कोविड-19 की है, जो जिसमें देश में उत्पादन ही कम हो रहा है, तो सरकार नहीं, बिहार में तो उत्पादन हुआ, लोग मजदूर गए, और मजदूर गए तो वहाँ उत्पादन बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि प्रत्यक्ष कर को बढ़ाना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर को कम करना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है क्या? कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल। क्या दिया उन्होंने, कौन सा सिद्धांत दिया? आपका विषय हिंदी साहित्य है। अगर हम 19वीं सदी को देखें तो एक तो दयानंद सरस्वती जी हैं जो पुनरुत्थानवाद की बात कर रहे थे, और एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राजा राम मोहन राय हैं। पुनरुत्थानवाद क्या होता है जानती हैं? पुनरुत्थानवाद नव जागरण की बात कर रहे हैं, इसमें जो मध्यकाल की जो रूढ़िवादिता है और रीतिकाल में जो जिसमें कह सकते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। पर कोई एक नारी रचनाकार यानी महिला रचनाकार के बारे में जिनको आप जानती हो, नाम बताइए। सर मनु भंडारी को जानते हैं, भक्ति काल की मीरा है, भक्ति आंदोलन की मीराबाई। ठीक है, मीराबाई किस क्षेत्र की है? मीराबाई मथुरा क्षेत्र की, वृंदावन की, राजस्थान की है। बिहार में कई सारी बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं? बिहार में मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, वज्जिका है, और इसके अलावा मगही बोली जाती है। आपकी मातृभाषा क्या है? सर मेरी भाषा मैथिली है। मैथिली में अपना परिचय दीजिए। जी सर, हमारा नाम पूजा प्रियदर्शनी जी है। हम अपन प्राथमिक शिक्षा सहरसा और वनस्थली विद्यापीठ से पूरा करने छी, और हमर उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मुजफ्फरपुर के हाई स्कूल और महेंद्र दर्शन दास महिला महाविद्यालय से भेल हैं। हम पिछला 13 वर्षों से वर्ष विवाहित छी, हमारे दूटा बच्चा छे। सर हमरा क्षेत्र में हम सब जे छे, सर हम लोग जो है वो दरभंगा का जो प्योर मैथिली होता है उस तरह से हमारी भाषा नहीं, हम सहरसा के हैं तो वो थोड़ा सा आ जाता है, टोन आ जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में 8 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, और प्रियंका गांधी आज दौरे पर है, एक महिला के साथ अपमान हुआ है और वहाँ वो जा रही हैं। मान लिया आप वहाँ SDM होती और प्रियंका गांधी जी जा रही होती मौत के साथ वहाँ मिलने के लिए,
और सरकार सरकार का आदेश होता है कि नहीं आप लाठी चार्ज करवाइए या भीड़ ना हो, कोविड का संकट है और एक तरफ वो अड़ी हुई है मिलने के लिए, तो क्या करती हैं आप? महिला होने के कारण महिला का साथ देती हैं या क्या करती हैं? आपके जहन में क्या आता है? आप SDM होती वहाँ? सर मैं महिला उनसे मिलना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी से नहीं, प्रियंका गांधी मिलना चाहती हैं। प्रियंका गांधी मिलना चाहती हैं। जो पंचायत चुनाव में अभी जो ब्लॉक स्तर पर जो चुनाव हुआ उसमें एक महिला का अपमान हुआ, तो उसको मिलने जा रही हैं। सर वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ने से हिंसा भड़क सकता है, तो सर प्रियंका गांधी को मिलने से रोकूंगी, उनको कहूँगी कि अभी सिचुएशन जो संवेदनशील है तो अभी आप नहीं मिली। नहीं तो प्रियंका गांधी कहती तो अभी तो बनारस मीटिंग हुई PM की, तो वहाँ तो कोविड नहीं था और यहाँ कैसे कोविड आ गया, तो आपका क्या जवाब होता है? सर यहाँ कोविड के अलावा संवेदनाओं के भी भड़कने का सर मामला है। तो कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज। और जो वैक्सीन जो है वो कौन कौन सी वैक्सीन अभी भारत में दे दी गई है स्वीकृति लगाने की? एक तो कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, और भी कोई है? और एक तो फाइजर। ठीक है, आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के भी कोई साहित्यकार रहे हैं क्या? जी सर। कौन है? नागार्जुन, बाबा नागार्जुन है। अच्छा। और मधुबनी के नागार्जुन है। और सर अभी तो थोड़ी दूर में सर मुजफ्फरपुर से अभी डॉक्टर अनामिका को पुरस्कार मिला है। हमको ये बताइए कि पुरुष, ठीक है, पुरुष किसान आत्महत्या करते हैं, महिला किसान आत्महत्या नहीं करती, इसका क्या रीजन हो सकता है? महिलाओं में सहनशीलता ज्यादा होती है ये कह सकते हैं, और हिम्मत भी ज्यादा होती है। वो परिस्थितियों का सामना ज्यादा धैर्य के साथ कर सकती हैं, यही रीजन हो सकता है सर कि वो आत्महत्या नहीं करते हैं, परिस्थितियों से मुकाबला करते हैं। पुरुष किसान थोड़े कमजोर होते हैं। पुरुष किसान थोड़े से कमजोर होते हैं। गुड, ठीक है। महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है सबको बताइए। सर 11 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्यों ठीक है। बिहार सरकार ने महिलाओं को 35% रिजर्वेशन जॉब में दिया है, 50% रिजर्वेशन दिया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन राइट, तो इसका पूरी बिहार के सोसाइटी पर क्या प्रभाव आप देख रही हैं? सर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है सोसाइटी पर, सबसे ज़्यादा तो है सर इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, काफ़ी संख्या में महिलाएं प्रशासन में आ रही हैं 35% रिजर्वेशन मिलने से, पंचायती राज में जो 50% रिजर्वेशन मिला है उससे भी महिलाओं को काफ़ी प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और महिलाएँ जो है सो निर्णय लेने में भागीदारी निभा रही हैं अब, तो इससे महिलाओं का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही रूप में उत्थान हुआ है। महिलाओं का उत्थान हुआ है जी सर। और साथ सोसाइटी की बात करें तो सर साथ साथ परिवार का भी हुआ है, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो उनके अपने नेक्स्ट जनरेशन अपने बच्चों को भी शिक्षित कर रही हैं और समाज के अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं या भीड़ रखते हैं कि आरक्षण जो है मेरिट में बाधक है, यानी आरक्षण के कारण कई लोगों के पास मेरिट रहने के बावजूद वो समाज के लिए देश के लिए सेवा करने से वंचित रह जा रहे हैं, और कम मेरिट वाले लोग आरक्षण के कारण प्रशासन में आ रहे हैं जिसका प्रशासन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, इस पे आपका क्या विचार है? मुझे लगता है आरक्षण मेरिट को प्रभावित उस स्तर पर नहीं करता है जहाँ तक लोगों की सोच है,
क्योंकि आरक्षण सर संविधान में भी दिया गया है कि जो वर्ग पिछड़े रह गए हैं और जो वर्ग विकास की धारा में पीछे रह गए हैं उनको बराबरी पर लाना, और इसका बहुत फायदा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अगर हम महिलाओं की का ही उदाहरण लें, अभी जो महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है, एक तो महिलाएं सर जो एक रूढ़िवादिता सोच है इसके कारण समाज में पीछे रह जाती हैं, दूसरा प्रकृति जन्य कारण भी है जिसके कारण महिलाएं पीछे रह जाती हैं। तो इस तरह उनको अगर आरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रही हैं और अपनी भूमिका निभा रही हैं। मतलब इससे मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता, या पड़ता है? सर नहीं पड़ता है सर, जिनके पास मेरिट है वो आगे आएंगे। और एक चीज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ST शेड्यूल ट्राइब इनको आरक्षण 7.5% रहा, राइट? और ये आरक्षण 1951 से है, और क्लास वन अफसर अभी भी वो 5% से ज्यादा नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? इसमें कि आरक्षण तो दिया गया है लेकिन बस है कि सर इसका लाभ लेने के लिए मतलब इसका क्रियान्वयन कहे तो इसमें कुछ दोष शायद सर रह गया। जैसे कि जो लाभ लिए हैं वही लगातार लेते चले आ रहे हैं और जिनको नहीं मिला वो पीछे ही रह गए। तो इसके लिए सर सुधार की जाने की ज़रूरत है। जैसे क्रीमी लेयर अनक्रीमी लेयर में है उसमें उसको सही तरीके से किया जाए। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी रही हैं, आज़ादी के बाद अगर बात किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा समय कब रहा है? 1991 में जो ग्रोथ रेट था उससे अभी ग्रोथ रेट ज़्यादा है जी, नहीं सर, अभी तो माइनस में। तो कैसे हम कहें 1991 के समय सबसे ज़्यादा था? सर ग्रोथ रेट ही सिर्फ सर इकोनॉमी को तो डिफाइन नहीं करता। ठीक है, और क्या क्या डिफाइन करता सर? उस समय जो देश की हालत थी वो 15 दिन के लिए आयात करने लायक भी देश के पास पैसा नहीं था। अच्छा। और देश में ऋण का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था, बेरोजगारी बढ़ रही थी और हम खाद्यान्न में क्या वजह उसकी थी 1991 में देश की हालात इतनी खराब हो गई, खास करके अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी क्या मूलभूत वजह थी? सर मुझे लगता है उस समय जब विश्व अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सर ग्लोबलाइज थी और लेकिन हम जो थे वो अपने उद्योगों को संरक्षण दे रहे थे और हमारी जो आयात निर्यात नीति थी वो ये तो 1951 से थी सर, ये 1951 थी पर धीरे धीरे सर समस्याएं बढ़ती गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1991 में आकर क्या ऐसी स्थिति हुई कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में हो गई? 1991 में सर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय एक तो भी है सर देश पे ऋण का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, एकाएक ये चलता आ रहा था 1980 के दशक से ये चलता आ रहा था और आयात निर्यात नीति सर आपके साथ अगर घरेलू हिंसा होती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा सर, को बताइए? सर मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। सर को बताइए कौन क्या मदद करेगा, FIR होता क्या है इसमें बताइए, FIR क्या होता है, NCR क्या होता है, सब जानती है? सॉरी सर मैं नहीं जानती, मतलब ये है कि कंप्लेंट करेंगी सर। मैं अगर ऐसी नौबत ना आए मैं ये प्रयास करूंगी अपने स्तर पर, समझौता नहीं करना चाहिए। नहीं सर मैं समझौता करने की कोशिश करूंगी, ये नौबत बिल्कुल आनी नहीं चाहिए घरेलू हिंसा वाली, लेकिन सर अगर आ जाती है तो ये बहुत गलत है, ये सहने वाली बात नहीं, ये गलत है किसी भी महिला के साथ। अच्छा, आप इतना काम करते हुए इतना पढ़ते हुए फिर ये रीडिंग बुक्स का भी आपका हॉबी है, कौन कौन सा बुक किस तरह का बुक पढ़ते हैं आप? सर मुझे उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे प्रेमचंद कालीन उपन्यास है, मैंने गोदान पढ़ा है, निर्मला पढ़ा है, सर मैं गे को भी पढ़ी हूँ और इसके अलावा मनु भंडारी को पढ़ी हूँ, राजेंद्र यादव की किताब पढ़ी। अच्छा, छायावाद क्या होता है सर? छायावाद है 1918 से 1936 की सर ये 36 का ये काल है,
इस समय हम कह सकते हैं कि देश जो है वो नवजागरण के दौर से गुजर रहा था और स्वतंत्रता काल स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो अपने चरम पर था। तो जो छायावाद है वो स्वतंत्रता आंदोलन को हम कह सकते हैं कि साहित्यिक अभिव्यक्ति हम कह सकते हैं सर है, साहित्यिक राजनीतिक अभिव्यक्ति। स्वतंत्रता आंदोलन छायावाद होता है। स्वतंत्रता आंदोलन की सर उसमें अब स्वतंत्रता आंदोलन को हम कह सकते हैं कि सर उसको एक उसकी अभिव्यक्ति होती है सर उसमें, जैसे कि अच्छा महादेवी वर्मा जो आप नाम सुने होइएगा जी सर, वो किस तरह की मतलब रचनाकार थे सर? उनकी रचना को हमें सर उनकी रचना में रहस्यवाद दिखता है, रहस्यवाद भी दिखता है सर। मेरे प्रियतम को आता है तम के अंधेरे में आना। अच्छा फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुने हैं जी सर? अच्छा उनके बारे में कुछ बताएं जी सर? वो आंचलिक उपन्यासकार है और उन्होंने महिलांचल लिखा है। आंचलिक क्यों लगा के उनको छोटा करना सर? वो हिंदी उपन्यास के दौर में सर वो पहले ऐसे वो लेखक हैं जिन्होंने आंचलिक उपन्यास प्रमाणिक तौर पर सर लिखा है। एक फिल्म बना उनके उपन्यास पर सर, संभवतः तीसरी कसम है। तीसरी कसम जी सर। अच्छा परती परिकथा का नाम सुने हैं आप? उनका रचना क्या है उसमें? वो आजादी पर ही बेस्ड? सॉरी सर मैं परी नहीं। मेला आंचल क्या है सर? मेला आंचल तो आंचलिक उपन्यास है जिसमें पूर्णिया अंचल के मेरीगंज जो प्रखंड है सर उसी के बारे में उसमें उसकी कहानी है। और सर है कि वो भारतीय समाज को एक इकाई के तौर पर देखने की वहाँ कोशिश की गई है, वहाँ के समस्याओं को। और वस्तुतः हमारा देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन क्या मेरीगंज आज़ाद हुआ है सर? ये सूक्ष्म तौर पर उसको वहाँ पर देखने की कोशिश की गई है। तो प्रेमचंद का भी इसी तरीके का अवभाव है अपने उपन्यास में, वो छोटे से वहाँ तो और भी व्यक्तिवाद हो जाता है। ऐसा नहीं है सर। नहीं है प्रेमचंद जी हालांकि बात करते हैं सेमरी और बेलाड़ी गांव की, लेकिन सर वो किसी भौगोलिक विशेषता का जिक्र नहीं करते हैं, उन्होंने किसी जिले का जिक्र नहीं किया है। और उनके जो उपन्यास में समस्याएं हैं सर वो सर उस समय की गाँव के किसानों की, राष्ट्रीय समस्याओं की, सभी का सर उसमें जिक्र है, तो उनके उपन्यास को आंचलिक नहीं कह सकते। अगर आपका पोस्टिंग अगर बिहार में कर दिया जाए तो आपके क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग है, उसके विकास के लिए आप क्या कदम उठाएंगे सर? ये तो एक बहुत ही अच्छी कला है, लोक कला है और सर हम लोग तो इस कला को जीते हैं हमारा मिथिला क्षेत्र। मैं चाहूँगी कि सरकार इसके लिए एक तो स्कूली स्तर पर इस कला को शामिल करे, और सर मेरा सर व्यक्तिगत विचार है कि सर कला कॉलेज भी खोला जाए, एक कला कॉलेज खोला जाए जिसमें मधुबनी पेंटिंग और पटना कला जो था, पटना कलम चित्रकला जो थी सर वो जो अभी विलुप्त हो गई है, इस तरह के कला को प्रोत्साहन दिया जाए। कला कॉलेज तो है ही ना पटना में, आर्ट कॉलेज जी सर है, लेकिन हमारे इलाके में खोला जाए इसके विकास के लिए। ठीक ठीक धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत कमाई हुई, पहले वाले मौक से तो ठीक है, अब तो जवाब दे रही है। पहले वाला मॉक जो था उससे ठीक है, आपने औसत रूप से ठीक ही जवाब दिया, बहुत अच्छा पकड़ भी है आपका, फिर घबराए क्यों है? सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं घबराऊं सर, आज तो मैं ठीक हूँ सर। पहले जहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़े हैं, बाहर आते हैं, बाहर से आई हूँ सर, मैं दिल्ली बराबर आते नहीं हूँ तैयारी के लिए सर। मैं इंटरव्यू में होते हुए क्या होता है कि आदमी इंटरव्यू में उस पक्ष में घबरा ही जाता है सर, थोड़ी सी घबराहट तो होगी लेकिन सर मैं कोशिश की हूं इसे ओवरकम। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है ना, कंस्टेबल पढ़ लीजिएगा, और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है ना, ठीक है, और 1991 में जो था ना वो एक्सटर्नल फैक्टर भी काम कर रहा था, खाड़ी युद्ध के कारण तेलुगु का जो घाटा था बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था, और जिसके कारण जो है भारतीय अदर फैक्टर भी था, एक जो हमारे स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम था इकोनॉमिक्स में वो तो था ही, लेकिन एक्सटर्नल जो मतलब ग्लोबल कारण भी था, है ना, तो उसको देख लीजिएगा, है ना। करेंट ट्रिप पे थोड़ा देखना है घरेलू हिंसा, पहला तो भाई इंटरनल स्तर पर बात करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा क्या है कि भाई पारिवारिक स्तर पर समझाने की कोशिश करें, अब तीसरी बार कोई अगर कोई बात करता है, दो बार तो सर माफ तो करोगे,
अगर ये भारतीय संस्कृति में तो 100 बार माफ किया कृष्ण ने, जहाँ नहीं जानिए सॉरी कहिए और बाकी ठीक है। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप कहिए कि घरेलू जिम्मेवारियां और जो मुख्य धारा की जो पढ़ाई है, जो बीपीएससी की जो पढ़ाई है, उसके अलावा जो वक्त बचता है तो मुझे साहित्यिक किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना, और उसमें एक आध नाम कोई अच्छा अगर रिसेंटली कोई पॉपुलर उपन्यास आया हो ना, जैसे निर्मल आपने अगर पढ़ा है तो वैसे ना, वैसी बात नहीं बोलना है जिसमें ना पढ़ा हो। एक ही बोली, जैसे मैंने अभी आप कही कि पिछले हफ्ते निर्मला पढ़े, अब तो हो गया ना पिछले हफ्ते, पीछे दो एक साल पहले क्या पढ़ा था छूट गया, तो पिछले हफ्ते मुझे वक्त मिला और मैंने क्या पढ़ा, निर्मला से पूछिए आप।